हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ये ब्लॉग कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि मॉर्निंग में मैं उठी हूँ और अभी आज जिम नहीं जा रही मॉर्निंग में मैं, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। और उसका रीज़न है कि मेरी बाजू में ना, शायद पता नहीं क्यों, यहाँ पर कलाई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये कुछ अजीब सा ऐसे स्वेलिंग सी है इधर, और ऐसा कुछ वेट वाली चीज़ उठाई भी नहीं जा रही मुझसे, इसलिए ये रीज़न है कि मतलब हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जा नहीं रही कभी भी ऐसे। एक दो बार मैंने नॉर्मली ऐसे बताया तो उन्होंने बोला मूव लगाओ ठीक हो जाएगा ऐसे, बट अभी पेन ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने सोचा कि चलो। पेन तो मुझे लाइक एक मंथ ही हो गया जब से हो रही है, बट मैंने बोला अभी जाना चाहिए क्योंकि कुछ और ना बन जाए कल को, तो इसलिए अभी जस्ट नहाना है और वो नहा रहे हैं अभी। उसके बाद तैयार होके हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पुरानी टी शर्ट पहन ली, ये पुरानी टी शर्ट नहीं है, मैंने एक और पिंक कलर की टी शर्ट ली जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। वैसे पुरानी मेरी फेवरेट है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा। ये तो बस वैसे ही है, बट मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। दिस इज माय फाइनल लुक, रेडी। चलो चलो जी, चलो। अभी ये भी आ चुके हैं, लॉक कर लेना। ओके, हम जा रहे हैं, बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं और यहाँ पे मेरा एक्सरे, वेट लेट मी शो यू, एक्सरे आप हुए हुए हैं हाथों के। और जो चीज़ मुझे बचपन क्या, मतलब प्लस वन प्लस टू में तब में जो डॉक्टर ने मुझे बोला था वही चीज़, सेम चीज़ उन्होंने बोली है। बट उस टाइम पे डॉक्टर्स ने इसको ऐसे बोला कि नॉर्मली है और इसका कुछ नहीं होता, इन फ्यूचर कभी आएगा दिक्कत अब सोच लेना देख लेना। और वही हुआ, अभी इन्होंने मेरे बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया है कि आप वहाँ पर जाओ और वहाँ पर स्पेशलिस्ट को दिखाओ। ऐसा ही है, अभी टेस्ट वगैरह तो हुए सारे रात का, बस ये चीज़। अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो मेरी वीडियो तो ज़रूर मेरे को कुछ बताना। ये देखो, ये ऐसा ही है। अभी हम जा रहे हैं वापस घर और फिर कल जाएंगे कल नहीं जाएंगे, फ्राइडे को जाएंगे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल। हाँ, अभी मेरे प्यारे हस्बैंड गए हैं अपनी कंटीन से कुछ खाने के लिए लाने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि बहुत टाइम लग गया मॉर्निंग के हम हॉस्पिटल आए थे और अभी तो टाइम हो रहा है 12:30 से भी ऊपर टाइम हो रहा है, अप्रॉक्सीमेट 1 बज रहा है। तो फिर वैसे तो घर पे ऐसा कुछ नहीं है, खाना बना हुआ है, कद्दू की सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में बनाई थी और रोटी मुझे बनानी थी, बट भूख ज़्यादा लगी है तो इसलिए कुछ हल्का सा खा के चलते हैं। मेरा जब एक्सरे हो रहा था ना तब तो मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने बोला कुछ ऐसा ना हो जाए। कि ऐसा कुछ उन्होंने बोला सर्जरी ऐसा कुछ, मैं डर गई। तो मेरी हड्डियाँ एकदम ठीक है, प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि कोई हड्डी टेढ़ी मेढ़ी है, ये चीज़ बोली मुझे उन्होंने तो मैं खुश हो गई। फिर इसलिए भी उन्होंने मेरे को बड़े हॉस्पिटल भेजना है, बड़े हॉस्पिटल के लिए उन्होंने रेफ़र कर दिया है, तो वहाँ पे जाके लगेगा प्रॉपर पता, देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी ये लेके आई है समोसा विद चटनी, थोड़ी किसके लिए, आपके लिए। मैं खाती तला हुआ। हाँ, खाते हो। मैं छोड़ा था बट ये छोड़ने देते मुझे भी, मैं ऐसे करते हैं था खा लेते हैं। गाइस, भूख लगी है, भूख में कुछ नहीं देखा जाता। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हमने खाना बनाया था कद्दू की सब्जी और रोटी, और तब मैं ना बहुत ही टायर्ड सा फील कर रही थी, पता नहीं लस्सी पी के ना मुझे ऐसे आलस सा आ गया था। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद 5:30 बजे के करीब हम सो गए, मतलब जिस टाइम पर लो दुनिया मरीज भी उठते हैं उस टाइम पर नींद आ गई, और फिर अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं तो अभी ऐसा लग रहा होगा मेरे बोलने से कि मुझे कोल्ड हो रहा है, सही में मुझे कोल्ड हो गया, इतना सेंसिटिव हूँ मैं। और थोड़ी सी हल्की हल्की बारिश भी हुई थी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, बट अभी
रिपोर्ट्स में कुछ मतलब ऐसा सीरियस नहीं है, कुछ भी नहीं आया। मेरे हाथ में पूरी हड्डियाँ सलामत है, डॉक्टर ने बोला कोई हड्डी मिसिंग नहीं है, कोई गैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने बोला कि चेक करवाना पड़ेगा किसी दूसरे डॉक्टर के पास जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उसके लिए हम फ्राइडे जाएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि मुझे सच में तकलीफ हो रही है यहाँ पे। और एक मेरा पार्सल आया था जब मैं सोई हुई, तब मित्तू लेके आए थे, तो मैं वो भी ओपन करके आपको दिखाती हूँ इसमें क्या आया है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपना पार्सल ओपन करने के लिए। ये मैंने ओपन किया और इसमें है कुछ हील्स। मैंने हील्स ऑर्डर करी थी और किसी को चाहिए होगी तो ज़रूर बताना, ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों के साथ अच्छी लगेगी। मैंने ट्राई नहीं करी, मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है। इट्स लाइक इट्स नाइस, क्योंकि इस कलर में बस हील्स नहीं थी इसलिए मैंने स्पेशली ये ऑर्डर करा करके देखी वो हील्स, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही है इसलिए मैंने उसका रिटर्न कर दिया। और अभी और मैंने हील्स ऑर्डर करी हैं, वो आएंगी फिर उनका देखती हूँ या सही है, क्योंकि मैंने एक दो पेयर साथ में ऑर्डर करे थे। तो आज की ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।